चीन को घेरने के लिए भारत की नई रणनीति। अब चीन के पड़ोस में तैनात होगी ब्रह्मोस मिसाइल। दोस्तों, चीन की हरकतों से परेशान वियतनाम अब भारत से रणनीतिक साझेदारी की पहल कर रहा है। चीन ने दक्षिण चीन सागर को हथियाने के लिए कई देशों की नाक में दम किया हुआ है। वियतनाम भी इसमें से एक है। उसे धमकाते हुए चीन ने अब वहां पर बम वर्षक तैनात कर दिए हैं। इससे तनाव में आए वियतनाम ने भारत से संबंध मजबूत करने में दिलचस्पी दिखाई। इतना ही नहीं, चीन को घेरने के लिए अब भारत अपना सबसे बड़ा विनाशक हथियार वियतनाम को देने वाला है। दरअसल हाल ही में वियतनाम ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की इच्छा जताई थी। तब रूस की वजह से भारत ऐसा नहीं कर पाया था, क्योंकि 50-50% की साझेदारी में विकसित ब्रह्मोस मिसाइल से जुड़े किसी भी फैसले के लिए रूस की सहमति जरूरी है। अब जब रूस ने अपनी सहमति दे दी है तो इस सौदे के पूरे होने की उम्मीद बढ़ गई है। अगर ये समझौता हुआ तो ब्रह्मोस मिसाइल चीन के पड़ोस में तैनात हो जाएगी। भारत को इस अनुमति के बाद अगले 5 साल में $5 अरब के निर्यात के लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। ब्रह्मोस के एक अधिकारी ने मॉस्को से बताया कि संयुक्त उपक्रम के उत्पाद निर्यात करने के अनुमति का कदम भारत रूस के रिश्ते और रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। इससे दोनों ही देशों को बहुत फायदा होगा। ये दोनों देशों की रक्षा और आर्थिक सहायता करेगा। जानकारी के अनुसार रूस सरकार ने भारत के साथ संयुक्त रूप से बनाई गई सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को किसी तीसरे देश को निर्यात करने की अनुमति भारत को दे दी है। इसके साथ ही रूसी सरकार ने 100 ऐसी रक्षा कंपनियों की सूची भी जारी की है जो भारत के साथ ब्रह्मोस जैसे संयुक्त उपक्रम लगा सके। चीन की दादागिरी पर लगाम लगाएगी ब्रह्मोस। कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इसी तर्ज पर भारत और वियतनाम करीब आ रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच विवाद चल रहा है और साउथ चाइना सी में चीन वियतनाम जैसे देशों से भिड़ रहा है। चीन लगातार वियतनाम को धमकी दे रहा है। ऐसे में वियतनाम भारत से सहयोग की मांग कर रहा है। उसने भारत की ब्रह्मोस मिसाइल में दिलचस्पी दिखाई है। रूस से मंजूरी के बाद भारत ब्रह्मोस मिसाइल आराम से वियतनाम को दे सकता है। दरअसल साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी इस समय चरम पर है। इन सब के बीच भारत ने समुद्र में चीन की धौंस पर भी कड़ा रुख दिखाया। इसकी एक वजह ये भी है कि जैसे चीन ने लद्दाख में अतिक्रमण करने की कोशिश की, वैसा ही वो दूसरे देशों के साथ कर रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका भी चीन के इस रवैये पर आरोप लगा चुका है। वैसे ये समझने की बात है कि आखिर क्यों चीन साउथ चाइना सी के लिए इतनी मशक्कत कर रहा है। चीन के इस आक्रामक रवैये के पीछे है समुद्र के नीचे का अथाह भंडार। हालांकि अगर वियतनाम भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद लेता है तो चीन भी डरेगा, क्योंकि चीन को ब्रह्मोस की ताकत का अंदाजा है। वो जानता है कि ब्रह्मोस की काट उसके पास नहीं है। ब्रह्मोस मिसाइल क्यों बनी दुनिया की पसंद? इजराइल, अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे देशों के पास भी घातक मिसाइलें हैं, लेकिन वियतनाम को चीन से टक्कर लेने के लिए ब्रह्मोस पर ही भरोसा है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है ब्रह्मोस मिसाइल का खतरनाक होना। दरअसल ब्रह्मोस मिसाइल एक कम दूरी की रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल को पनडुब्बी से, पानी के जहाज से, विमान से या जमीन से भी छोड़ा जा सकता है। इस मिसाइल की मारक क्षमता बहुत ही अचूक है। ब्रह्मोस भारत और रूस की तरफ से विकसित की गई अब तक की सबसे आधुनिक मिसाइल प्रणाली है। हवा से सतह पर मार करने में सक्षम 2.5 टन वजनी इस मिसाइल की मारक क्षमता 300 किलोमीटर है। हालांकि रूस और भारत इसकी मारक क्षमता को 600 किलोमीटर करने पर काम कर रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल को दिन और रात, साथ ही किसी भी मौसम में दागा जा सकता है। ब्रह्मोस विश्व में अपनी तरह की इकलौती क्रूज मिसाइल है जो सुपरसोनिक स्पीड से दागी जा सकती है। इस मिसाइल को भारतीय सेना और भारतीय नौसेना को सौंपा जा चुका है। इस मिसाइल का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कवा नदी पर रखा गया है। इस मिसाइल की रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से करीब 3 गुना ज्यादा है। ये मिसाइल ध्वनि के वेग से करीब 3 गुना अधिक गति से लक्ष्य पर हमला करती है। इसकी रफ्तार की वजह से ही ये मिसाइल रडार के पकड़ में नहीं आ पाती है, क्योंकि जब तक रडार इसे पकड़ पाता है तब तक ये मिसाइल टारगेट को उड़ा चुकी होती है। दक्षिणी चीन सागर में दखल बढ़ा रहा है भारत। भारत ने चीन की चालाकियों का जवाब अब उसी के तरीकों से देना शुरू कर दिया है। दरअसल पूर्वी लद्दाख में चीनी गतिविधियों के जवाब में भारत ने अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाते हुए साउथ चाइना सी तक कर दिया है। अब भारत चीन के पड़ोसी देशों से अपने संबंध सुधारने में लगा है। यहाँ तक भारत वियतनाम जैसे देशों की आर्थिक मदद तक कर रहा है। चीन की तरफ से मिल रही धमकियों की वजह से अब वियतनाम भारत से रणनीतिक साझेदारी की पहल कर रहा है। इसे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहा जा रहा है। इस बारे में भी दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। यूरेशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक वियतनाम समुद्र से तेल के भंडारों की खोज
और उन्हें निकालने के लिए भारत से खुलकर मदद ले चुका है। इसके तहत भारत उसे $100 मिलियन की रकम उधार दे चुका है ताकि वियतनाम उससे पेट्रोल बोट खरीद सके। इसके अलावा हथियारों की खरीद के लिए भी $500 मिलियन की मदद भारत देगा। दरअसल साउथ चाइना सी में तेल का भंडार है और यही भंडार चीन को इस इलाके में कब्जा करने के लिए उकसा रहा है। लेकिन चीन को टक्कर देने के लिए अमेरिका पहले से ही इस इलाके में अपना दखल बढ़ा चुका है और भारत इस इलाके में घुसने की तैयारी कर रहा है, जिससे चीन की दादागिरी पर लगाम कसी जा सकेगी। ब्रह्मोस मिसाइल का सौदा भी इसी रणनीति के तहत हो सकता है।